नमस्कार दोस्तों। दोस्तों घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ काम कर लेने चाहिए। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ चाय का मसाला। हमेशा मैं अपने घर में चाय मसाला बनाकर रखती हूँ, क्योंकि मैं एक बार ना पैकेट वाला ले आई थी तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, और ना तो फिर हम उन्हें कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा बना, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, एक चम्मच छोटी चम्मच अजवाइन और चार मैंने इलायची ली हैं, और बाद में मैंने एक दालचीनी का पीस डाल दिया है। दोस्तों इसमें ना जो भी मसाला आप डाल रहे हो वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने लौंग और ये इलायची इसलिए कम डाली है क्योंकि इनका टेस्ट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इन सबको मैंने भूनकर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक मेरे ये मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मेरे जो कंटेनर खाली हो गए थे उनको मैंने रिफिल किया और अपना काम भी साथ के साथ मैं और करती रही। क्योंकि किचन में एक काम तो होता नहीं है कि हम एक ही कर लें, जब हम एक काम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें दूसरा काम भी करना पड़ता है। इससे होता क्या है ना दोस्तों कि हम एक बार में कई सारे काम निपटा लेते हैं और काम का बर्डन हमारे सर पे नहीं पड़ता है। जब तक मैंने ये दाल के डब्बे फिल किए तब तक मेरे मसाले ठंडे हो जाएंगे और फिर मैं उन्हें पीस लूंगी। मेरे चाय के सभी मसाले ठंडे हो गए हैं और अब मैं इनको मिक्सर में डालकर अच्छे से एक पतला सा पेस्ट, मतलब पेस्ट क्या, पाउडर तैयार कर लूंगी। और इसी टाइम पर मैं इसमें सौंठ ऐड कर दूंगी। सौंठ आप अपनी इच्छा से एक चम्मच दो चम्मच ऐड कर लीजिए। कुछ तो मैंने पहले ऐड कर दी एक चम्मच, और एक चम्मच मैंने फिर इसमें बाद में ऐड करी। और सबको पीस कर मैंने इनो के इस डब्बे में इसको भर के रख लिया, क्योंकि ज्यादा तो मैं बनाती नहीं हूँ, जब खत्म हो जाती है दोबारा बना लेती हूँ, जिससे कि ये ताजा बनी रहती है। और आप अपनी चाय में आधा चम्मच इसे ऐड कर लीजिए और आपकी चाय का टेस्ट बदल जाएगा। रोज के काम तो करने ही होते हैं, साथ ही साथ हमें हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके ना दोस्तों हम अपने घर की चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें समेट के रख सकते हैं। मेरे पास ये खजूर के डब्बे हैं, कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं एक डब्बा ले रही हूँ। इसको मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल में रखूंगी, इसको मैं अपनी नेल पेंट रखने के लिए इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि नेल पेंट ज्यादातर इधर उधर अगर आप किसी ड्रॉर में भी रख रहे हैं तो वो गिरती रहती हैं। अगर आप ड्रॉर को खोल रहे हो तो एकदम से सारी गिर जाती हैं। ऐसे किसी डब्बे में या बॉक्स में रखकर आप अगर अपनी नेल पेंट रखते हैं तो कितना भी आप अपने उसको ड्रॉर को खोलिए वो नहीं गिरेंगी और ऐसे ही सेट रहेंगी। तो मैंने अपनी सारी नेल पेंट इस डब्बे में रख दी। दोस्तों ये भी एक डब्बा है जो कि गिफ्ट में मिला था, तो इसपे मैं मेरी बेटी का ये हेयर बैंड है तो इसको मैं इस पे लगा दूंगी। और ये जो लगा के बहुत ही सुंदर लगा, इसे चाहे आप ड्रेसिंग टेबल में रखिए चाहे बाहर रखिए, ये बहुत ही सुंदर लगा। और इसमें कुछ भी नहीं किया, बस फालतू का जो सामान पड़ा हुआ था जो यूज नहीं हो रहा था वो ही हम मैंने इसमें किया है, लगाया है। और इसमें मैं रख दूंगी अपनी लिपस्टिक। और दोस्तों ये एक ईयरबड का ना एक छोटा सा डब्बा है, इसमें मैं जो भी लाइनर वगैरह होते हैं, स्टिक्स होती हैं, उन सबको मैं इसी में रख दूंगी, जिससे कि ये कोई बड़ी चीज है तो वो गिरे नहीं। छोटी लिपस्टिक तो इसमें आ गई है लेकिन बड़ी वाली उसमें मैंने सारी रख दी हैं, और सारा बहुत ही अच्छे से अरेंज हो गया और देखने में भी नीट एंड क्लीन लगता है, सुंदर लगता है। दोस्तों
तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी लिपस्टिक इसमें अरेंज हो गई और कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। देखिए आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इनको सेट करने के बाद मैंने रखा ड्रेसिंग टेबल में, एक कोने में देखिए ये आ गए। और साथ ही मैंने इसका अपना जो भी लिपस्टिक मेरी थी, जो लिपस्टिक होल्डर मैंने बनाया, उसको भी रख दिया। दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि चीजें एकदम से एडजस्ट हो गई हैं, सेट हो गई हैं, कोई भी चीज इधर उधर नहीं है। डस्टिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ती हैं और करनी भी चाहिए। डेली बेसिस पर अगर हम ये सारे काम करें तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। दोस्तों यही काम मैं अपने किचन में भी करती हूँ। हमारे किचन में अगर बर्तन जो कि धुले हुए भी हैं, अगर वो रखे हैं सामने तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। उनको पोंछ कर साथ ही साथ आप उनको उनकी जगह पर रख दीजिए तो आपका किचन हमेशा साफ सुथरा बना रहेगा। मैंने अपने बर्तन सारे पोंछ कर रख दिए तो इसके बाद फिर ये तो मैंने दही जमा के वहां पे रख दी है और अब मैंने सारे में एक बार पहले ही वाइप कर दिया था, लेकिन बर्तन पोंछे तो उनमें से कुछ पानी भी गिर गया था, तो साथ ही मैंने उस पर भी और टाइल्स पर भी एक बार फिर से कपड़ा लगा दिया है और किचन एकदम साफ सुथरा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए।